हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर डिस्कसिंग चैप्टर 3 एंड इन चैप्टर 3 वी आर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सो इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट फर्स्ट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एंड इफ यू हैवंट वॉच्ड दैट वीडियो, प्लीज वॉच दैट वीडियो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम डेवलप्ड बाय प्रोग्रामर इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। This software can be run only if a system software is present in the computer. So, what is the meaning here? मतलब क्या है कि आपका application software जो होता है वो एक set of programmer जो कि programmer बनाता है किसी एक particular task को perform करने के लिए, और ये application आपके PC पर तभी चलेगा जबकि आपके PC में जो है वो आपका operating system already installed होगा, क्योंकि ये जो application software होते हैं वो आपके system software के ऊपर ही work करते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं application software जो है वो एक program है जो क्या किसी particular task को perform करने के लिए बनाया जाता है, कोई एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। इट हैज वेरियस एप्लीकेशन एरियाज लाइक इन्वेंट्री कंट्रोल, एयरलाइन और रेलवेज रिजर्वेशन, पेरोल सिस्टम, बैंक्स एंड यूनिवर्सिटीज एटसेट्रा। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बहुत सारे एरियाज में एप्लीकेशन है, मतलब कि ये बहुत सारे एरियाज में यूज होता है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है आपका इन्वेंट्री कंट्रोल में है, एयरलाइन में है, रेलवे रिजर्वेशन में है, पेरोल सिस्टम में है, बैंक्स में है, यूनिवर्सिटीज में है। तो बहुत सारे एरिया में इसका एप्लीकेशन होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी फर्दर कैटेगराइज एज, तो इनकी भी कुछ कैटेगरी होती है, बात कर लेते हैं कौन कौन सी कैटेगरी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। सो फर्स्ट वन इज जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंड सेकंड इज स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंड थर्ड वन इज कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज कैटेगरीज वन बाय वन। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक अ सॉफ्टवेयर फॉर ईच एंड एवरी एप्लीकेशन, हेंस सम जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर डिजाइन टू मीट द नीड ऑफ इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। तो अब देखिए क्या है, मतलब कि आप हर टास्क के लिए तो एप्लीकेशन डिजाइन नहीं कर सकते, मतलब हर सिंगल टास्क के लिए आप एप्लीकेशन नहीं बना सकते, कोई छोटे छोटे कामों के लिए अलग अलग एप्लीकेशन नहीं डिजाइन कर सकते। तो इसीलिए जनरल पर्पस एप्लीकेशन को बना दिया गया है जो कोई इंडिविजुअल भी यूज कर सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी यूज कर सकती है उसको, वो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड दीज टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर ऑल्सो नोन एज पैकेजेस, सम कॉमनली यूज पैकेजेस आर। तो इन सॉफ्टवेयर को हम पैकेजेस बोलते हैं क्योंकि ये पैकेज की फॉर्म में आते हैं आपके, जैसे कि बात करते हैं नंबर वन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, सेकंड इज प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, थर्ड वन इज डेस्कटॉप पब्लिशिंग पैकेज, फोर्थ वन इज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, फिफ्थ वन इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एंड सिक्स्थ वन ग्राफिक्स मल्टीमीडिया एंड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो ये सारे जो है वो जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। तो चलिए इनको भी वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट वन इज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। सो व्हाट इज वर्ड प्रोसेसर? अ वर्ड प्रोसेसर हेल्प टू क्रिएट स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट क्विकली एंड एफिशिएंटली। इट प्रोवाइड मल्टीपल फीचर्स टू मैनिपुलेट द टेक्स्ट इन अ डिजायर्ड वे। You can easily add, delete, rearrange or beautify the text through the formatting and also produce a hard copy of document. अब देखिए word processor software क्या होते हैं जो आपको word को process करने में help करते हैं, जिसमें कि आप word को manipulate कर सकते हैं, word को decorate कर सकते हैं, word को type कर सकते हैं। ठीक है, word को beautify करना चाहें तो beautify भी कर सकते हैं उनको, और आप उनको delete कर सकते हैं, rearrange कर सकते हैं, वो सारी formatting आप इसमें कर सकते हैं। So these are known as word processing software, क्योंकि आपके basically document या letter type करने के काम में आते हैं। So some of the example of these software are MS Word, Writer, Word Pro, WordPad. So these are the example of word processing software. तो चलिए अब देखते हैं जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की नेक्स्ट कैटेगरी को, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। सो व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम? अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम हेल्प्स टू परफॉर्म कैलकुलेशन, एनालाइज डेटा एंड डिस्प्ले द इन्फॉर्मेशन इन टेबुलर मैनर। इट इज अ प्रोग्राम दैट मैनिपुलेट नंबर यूजिंग इट्स इनबिल्ट फॉर्मूला सच एज एडिशन, एवरेज, मिन, मैक्स, पावर स्क्वायर रूट एटसेट्रा। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं डेटा को कैलकुलेट करने में, डेटा को एनालाइज करने में, और जो हम अपना डेटा टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले करना चाहते हैं हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो आपके डेटा को टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, और आप इसमें डेटा को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, और इसमें बिल्ट इन फंक्शन होते हैं जैसे एडिशन, एवरेज, मिन, मैक्स, पावर, स्क्वायर रूट, इस टाइप के कुछ फंक्शंस होते हैं जिनकी हेल्प से आप डेटा को कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी फंक्शंस आपको परफॉर्म करने हैं वो फंक्शन आप परफॉर्म कर सकते हैं। एंड यू कैन आल्सो डिस्प्ले द डेटा इन द फॉर्म ऑफ चार्ट और ग्राफ, दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड एंड एनालाइज डेटा इन अ बेटर वे। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में देखिए क्या होता है, आप डेटा को चार्ट के फॉर्म में या फिर ग्राफ के फॉर्म में भी डिस्प्ले कर सकते हैं, जिससे कि आप जो डेटा है उसको बेटर तरीके से समझ पाए। सम ऑफ इट्स एप्लीकेशन एरियाज आर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट एनालिसिस, इंटरेस्ट कैलकुलेशन एंड टैक्स कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पे कि ये आपके इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस का यूज होता है। सो सम एग्जांपल ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आर लोटस 1-2-3, एमएस एक्सेल, कैल्क। तो ये कुछ एग्जांपल हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के जो कि आप यूज कर सकते हो अगर आपको स्प्रेडशीट अपनी क्रिएट करनी है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट अगर आप क्रिएट करना चाहते हो, तो इनमें से कोई सा भी एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हो, जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर आपका एमएस एक्सेल है। नेक्स्ट कैटेगरी है जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। इट इज यूज टू प्रेजेंट एन आइडिया और कॉन्सेप्ट।
तो ये जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होते हैं इनका यूज़ हम करते हैं किसी भी आइडिया को, किसी भी कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट करने के लिए। मतलब कोई ऑडियंस है उसको हमें कोई चीज़ समझानी है विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंटेशन, तो हम इन सॉफ्टवेयर की हेल्प से उस प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं और हम अपने आइडिया को, जो भी हमारे आइडिया या कॉन्सेप्ट है उसको समझा सकते हैं। एंड दिस सॉफ्टवेयर हेल्प्स टू क्रिएट एंड डिस्प्ले स्लाइड्स ऑन कंप्यूटर फॉर बिजनेस एंड एजुकेशनल पर्पस। तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हमें स्लाइड्स को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, या फिर हम स्लाइड को डिस्प्ले कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे फॉर बिजनेस पर्पस या फिर अपने एजुकेशनल पर्पस के लिए। ठीक है, पढ़ाने के लिए कर सकते हैं या फिर आप बिजनेस पर्पस के लिए भी कर सकते हैं। मतलब कोई प्रोडक्ट है आपको, उसके बारे में आप प्रेजेंटेशन बनानी है तो आप उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ पढ़ाना है, कुछ चीज समझानी है तो वो भी आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। और अभी आपको जो मैं समझा रहा हूँ ये भी मैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की हेल्प से ही समझा रहा हूँ, जो कि मैं पावर पॉइंट यूज कर रहा हूँ उसके लिए। एंड इट्स लेट्स यू टू क्रिएट ग्राफिक्स, चार्ट, एनिमेशन एंड वीडियो क्लिप्स। ओके, एंड सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ दिस सॉफ्टवेयर आर एमएस पावरपॉइंट एंड इम्प्रेस। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं हमें ग्राफिक्स क्रिएट करने में, एनिमेशन क्रिएट करने में या फिर वीडियो क्लिप क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। एंड पावरपॉइंट, इम्प्रेस जो है वो इसके एग्जांपल हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के। दीज आर सम वेरी पॉपुलर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। अब बात करते हैं नेक्स्ट जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, जो कि हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसे शॉर्ट में DBMS भी बोलते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है हमारा ये। एवरीवन यूजेस डेटाबेस इन देयर डेली लाइफ। फॉर एग्जांपल वी मेंटेन फॉरेन डायरेक्टरीज, पेरोल फिगर्स, अकाउंट्स एटसेट्रा इन कंप्यूटर। अ डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हेल्प यू टू स्टोर एंड मैनेज अ लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन अ ऑर्गेनाइज्ड वे। तो हम जो है अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे तरीके से अपने डेटाबेस को मैनेज करते हैं, बहुत सारे फोन डायरेक्टरी वगैरह मैनेज करते हैं, या फिर हम अपने एक्सपेंसेस का डेटाबेस क्रिएट करते हैं, या फिर पेरोल फिगर्स वगैरह या अकाउंट्स वगैरह की डेटा हम क्रिएट करते हैं। वो सारी चीजें हमारे किस में आती हैं, डेटाबेस में ही आती हैं। तो कंप्यूटर में आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यह हेल्प करता है आपको कि आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा अपना कंप्यूटर में इन ऑर्गेनाइज वे स्टोर कर सकें। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप अपने इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज वे में कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। इनका काम यही होता है डेटा को ऑर्गेनाइज वे में स्टोर करना, आपके डेटाबेस को ऑर्गेनाइज वे में स्टोर करना कंप्यूटर के अंदर। एंड You can easily create, add, find, update, sort and search the information stored in a database. You can also present information in the form of professionally designed reports. तो मतलब आप डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की हेल्प से इजीली किसी भी डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, कि कोई आपको इन्फॉर्मेशन फाइंड करनी है उसे फाइंड कर सकते हैं, अपडेट करना है रिकॉर्ड को कोई अपडेट कर सकते हैं, शॉर्ट करनी है इन्फॉर्मेशन शॉर्ट कर सकते हैं। दीज ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। और अगर आप डेटाबेस की प्रोफेशनली रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। MS Access, Oracle, Base, these are the example of database management software. तो नेक्स्ट टाइप का सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, वो हमारा डेस्कटॉप पब्लिशिंग पैकेज। सो विद द एडवांसमेंट ऑफ DTP मतलब डेस्कटॉप पब्लिशिंग, द सेम वर्क दैट अ प्रिंटिंग प्रेस कुड कंप्लीट इन अ फ्यू डेज कैन इजिली बी फिनिश्ड विद इन फ्यू आवर्स। तो मतलब क्या है, DTP जो पैकेज आए हैं आपके, DTP सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप पब्लिशिंग पैकेज जो है, उनकी हेल्प से जो चीज प्रिंट करने में प्रिंटिंग प्रेस को 2-3 दिन लगेंगे, वो विद द हेल्प ऑफ डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर आप कुछ घंटों में काम कर सकते हैं। वही DTP पैकेज कैन कंबाइन बोथ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स फीचर टू डिजाइन प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट लाइक न्यूज़लेटर, प्रिंटेड फॉर्म, एडवर्टाइजमेंट, बाउचर, पोस्टर, मैगजीन, बुक्स। तो देखिए डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर से क्या होता है, इनसे आप डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। मतलब कोई मैगजीन क्रिएट करनी है, मैगजीन क्रिएट कर सकते हैं, मैगजीन बना सकते हैं। कोई पोस्टर बनाना है तो पोस्टर बना सकते हैं। इवन बुक्स वगैरह भी टाइप करनी है तो बुक्स वगैरह भी टाइप की जा सकती है, क्योंकि इनका काम ही होता है कि पब्लिशिंग पर्पस के लिए सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, जिसमें कि आप ऐसा ही कॉन्टेंट बनाएंगे जो कि पब्लिशिंग पर्पस का कॉन्टेंट है, वो आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। चाहे वो आपका कोई न्यूज़लेटर बना रहे हो, आप कोई एडवर्टाइजमेंट बना रहे हो, कोई जो बाउचर हो, कोई पोस्टर हो, वो इन एप्लीकेशंस की हेल्प से आप क्रिएट कर सकते हैं। पेज मेकर, इन डिजाइन, कोरल ड्रॉ, दीज आर द एग्जांपल ऑफ डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। तो ये हमारे कुछ डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। सो नेक्स्ट जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इट इज यूज टू क्रिएट एंड प्ले वीडियो, एनिमेशन, साउंड, ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट विद अ हाई डिग्री ऑफ इंटरेक्शन, फॉर एग्जांपल विंडोज मीडिया प्लेयर। तो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो आपके वीडियो, ऑडियो या फिर एनिमेशन, साउंड को प्ले करने के लिए होते हैं, या फिर आप इनकी हेल्प से क्रिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर रहते हैं जो कि मल्टीमीडिया को सपोर्ट करते हैं। मतलब कि मल्टीपल मीडिया को आप इसमें रन करा सकते हैं, तो इसीलिए इनको मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर बोला जाता है। ठीक है, इनकी हेल्प से क्रिएट भी कर सकते हैं, इनके हेल्प से आप प्ले भी कर सकते हैं। सो नाउ वी हैव डिस्कस द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दैट इज जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की, जो कि हमारा स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अनलाइक जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट आर डिजाइन टू कैरी आउट कॉमन टास्क, द स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर आर डेवलप्ड बाय प्रोग्रामर टू परफॉर्म ओनली स्पेसिफिक टास्क। अब देखिए क्या, वो जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो खैर जनरल टास्क के लिए थे, कि ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर पर्सन के लिए बनाया गया है या पर्टिकुलर वर्क के लिए ही बनाया गया है। जैसे कि हम बात करें जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, जिसमें कि हम बात करें बर्ड की, तो बर्ड एक क्या है, कॉमन एप्लीकेशन है जो कि कोई भी यूज कर सकता है, स्टूडेंट भी यूज कर सकता है, एक टीचर यूज कर सकता है, एक शॉपकीपर यूज कर सकता है, एक बिजनेसमैन यूज कर सकता है, जनरल है। मतलब वो टाइपिंग के लिए कॉमन सॉफ्टवेयर है।
बट स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं होता है। ये क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाए जाते हैं, पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको बोलते हैं स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो देयर आर द सम स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर व्हिच आर डिस्क्राइब्ड बिलो, ठीक है। तो ये हमारे कुछ स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर है, इसमें भी बात कर लेते हैं कौन कौन से हमारे। अकाउंटिंग मैनेजमेंट, सेकंड इज रिजर्वेशन मैनेजमेंट, थर्ड इज अटेंडेंस सिस्टम, फोर्थ इज स्कूल इन्वेंटरी कंट्रोल, फिफ्थ इज एचआर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, एंड सिक्स्थ इज पेरोल सिस्टम, एंड सेवन्थ इज बिलिंग सिस्टम। सो दीज आर द सम स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इनको भी एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं अकाउंटिंग मैनेजमेंट की। अकाउंट्स आर द बैकबोन ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन, दस अ प्रॉपर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज नीडेड बाय ऑल टू स्टोर एंड मैनेज दीज अकाउंट ट्रांजेक्शन। तो अकाउंट जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन होते हैं, तो इसीलिए अकाउंट को प्रॉपर मैनेज करने के लिए हमें अकाउंटिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। टेली इज द मोस्ट पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इन इंडिया, बिंग्स एंड बिजी आर सम अदर पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इन इंडिया। तो सबसे ज्यादा पॉपुलर जो सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग, वो है इंडिया में टैली। ऐसे बिंग्स और बिजी भी हैं, बट सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो हमारा टैली है। तो ये हो गया हमारा अकाउंटिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। सेकंड कैटेगरी हमारा रिजर्वेशन सिस्टम, द नीड टू हैव एन इफिशियंट रिजर्वेशन सिस्टम विद द ग्लोबल यूजेस पैटर्न्स फॉर एयरलाइन होटल्स एटसेट्रा हैज बीन मेट बाय डिफरेंट कंपनीज विद द इंटीग्रेशन ऑफ डेटाबेस। Most of the reservation software are web-based. They can store essential data and operate on customer-related transaction online. तो देखिए रिजर्वेशन सिस्टम क्या होता है, ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं इनकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है, तो नॉर्मली ये रिजर्वेशन के लिए होता है, ठीक है। चाहे आप होटल का रिजर्वेशन करें या फिर आप एयरलाइन का रिजर्वेशन करें, किसी भी टाइप का रिजर्वेशन आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज सिस्टम। MakeMyTrip.com, Yatra.com आर द एग्जाम्पल ऑफ रिजर्वेशन सिस्टम, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल है रिजर्वेशन सिस्टम के, जिसमें कि आप ऑनलाइन अपना होटल भी बुक कर सकते हैं या फिर आप टिकट भी बुक कर सकते हैं। रेल टिकट बुक चाहें तो रेल टिकट बुक कर सकते हैं आप, और एयरलाइन का टिकट चाहें तो उसका भी टिकट बुक कर सकते हैं, मतलब रिजर्वेशन आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज वेबसाइट, ठीक है। तो ये रिजर्वेशन सिस्टम हमारे हो गए दो। तो आई होप आपको रिजर्वेशन सिस्टम भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, जो कि हमारा अटेंडेंस सिस्टम। सो नाउडेज मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रीफर कंप्यूटराइज अटेंडेंस सिस्टम ऑफ दियर एम्प्लॉय विद फैसिलिटीज लाइक फिंगरप्रिंट स्कैनिंग और पर्सनलाइज सिम बेस्ड कार्ड सिस्टम। इट इज इजियर टू रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन एंड जनरेट अटेंडेंस रिपोर्ट लेटर। तो देखिए क्या है, ज्यादातर आजकल की ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, अपने एम्प्लॉय की अटेंडेंस रिकॉर्ड करने के लिए कंप्यूटराइज अटेंडेंस सिस्टम का यूज करती हैं, जिसमें कि आपकी एक डिवाइस होती है जिसमें कि आप फिंगरप्रिंट लगाएंगे तो आपकी अटेंडेंस रिकॉर्ड हो जाएगी, और उस अटेंडेंस की रिपोर्ट बाद में जनरेट की जा सकती है कि आपकी किस टाइम पर अटेंडेंस मार्क हुई थी, कि आप कितने बजे आए थे, ओके। वो सारी चीजें यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाती हैं। सो नेक्स्ट स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वी हैव, दैट इज स्कूल इन्वेंटरी कंट्रोल। सो स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं बेसिकली ये। डिफरेंट कंपनीज आर प्रोवाइडिंग स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर विद फैसिलिटीज लाइक नंबर वन स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन। तो ये जो स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें आपका रजिस्ट्रेशन और एडमिशन की फैसिलिटी भी होती है। सेकंड इज ट्रांसपोर्ट मेंटेनेंस मैनेजमेंट, मतलब जो ट्रांसपोर्ट है स्कूल की वैन वगैरह उनका भी मैनेजमेंट इस सॉफ्टवेयर में हो सकता है। थर्ड वन इज लाइब्रेरी मैनेजमेंट, लाइब्रेरी का मैनेजमेंट भी किया जा सकता है, मतलब जो स्कूल लाइब्रेरी है उसका भी मैनेजमेंट कर सकते हैं, मतलब कि बुक वगैरह जो है वो लाइब्रेरी से किसको इशू की है वो सारी चीजें वहां पर डिटेल रख सकते हैं। एंड फोर्थ वन इज ऑटोमेटेड एग्जामिनेशन मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब एग्जामिनेशन को मैनेज करने का भी सिस्टम उसमें होता है, कि अगर आपको रिपोर्ट कार्ड वगैरह जनरेट करने हो तो वो भी विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर कैन बी डन। नेक्स्ट इज मैनेजिंग हॉस्टल बोर्डिंग एंड लॉजिंग। तो अगर किसी स्कूल का हॉस्टल है तो उस हॉस्टल की भी डिटेल इसमें मैनेज की जा सकती है, कि कितने स्टूडेंट वहाँ पे हैं, ठीक है, उनकी बोर्डिंग लॉजिंग का सब डिटेल वहाँ पे रखी जा सकती है उसी एप्लीकेशन के अंदर। नेक्स्ट इज ऑटोमेटेड टाइम टेबल जनरेशन। तो विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर ऑटोमेटेड जो है वो टाइम टेबल जनरेट किया जा सकता है, कि आपके जो क्लासेस होंगी वो किस टाइम से स्टार्ट होंगी, ठीक है, कितने पीरियड होंगे, किस टीचर का पीरियड किस टाइम पे होगा, वो सारी चीजें हो सकती है विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट इज स्टाफ सैलरी जनरेशन एंड एक्सपेंसिव मैनेजमेंट। तो स्टाफ की जो सैलरी वगैरह का जनरेशन है वो भी हो सकता है इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से, और जो एक्सपेंसेस हैं जो खर्चे हैं उनका भी मैनेजमेंट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। एंड नेक्स्ट इज एनालाइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ क्लास, ठीक है। तो क्लास की परफॉर्मेंस को भी एनालाइज कर सकते हैं आप विद द हेल्प ऑफ स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, मतलब स्कूल इन्वेंटरी कंट्रोल सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी हेल्प से। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज एचआर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ये भी हमारा स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सो इट हेल्प्स इन रिकॉर्डिंग द पर्सनल एंड ऑफिशियल डिटेल ऑफ एन एम्प्लॉय। It stores the complete profile of a candidate which can be modified and checked for available position, thus providing easy reference to the employer in search of desired candidate. तो HR मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है, एम्प्लॉय की सारी डिटेल रखी जा सकती है, और कोई डिजायर कैंडिडेट है कोई रिज्यूम वगैरह लगाता है तो उनकी डिटेल उसमें फीड की जा सकती है सारा रिकॉर्ड, और जब भी वैकेंसी खाली होगी तो उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप चेक कर सकते हैं कौन सा कैंडिडेट आपकी उस पोजीशन के लिए रिक्वायर्ड है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर अवेलेबल है तो उसमें कौन सा कैंडिडेट जो है वो उस पोजीशन पे शूट करेगा, तो वो सारी डिटेल आपको इस सॉफ्टवेयर में मिल जाती है, ठीक है, पूरा प्रोफाइल उस कैंडिडेट का उसमें स्टोर हो जाता है।
तो ये काफी इजी हो जाता है, सारी चीजें आपको बता देता है कि कौन सा कैंडिडेट जो है वो बेस्ट मैच कर रहा है इस पोजीशन के लिए। तो इसकी हेल्प से काफी इजी हो जाता है एम्प्लॉयर को कि वो इजीली डिजायर्ड कैंडिडेट को फाइंड कर सकता है। नेक्स्ट स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वी हैव दैट इज पेरोल सिस्टम। मैनी ऑर्गेनाइजेशन यूज पेरोल सॉफ्टवेयर टू मैनेज द पेरोल सिस्टम ऑफ देयर एंटरप्राइज। दिस सॉफ्टवेयर मैनेज द मंथली सैलरी स्लिप, एनुअल सैलरी रिपोर्ट, कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉय टैक्स डिटेल एंड मैनी मोर। तो पेरोल सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो आपके एम्प्लॉय की सैलरी वगैरह कैलकुलेट करने के लिए होते हैं। सैलरी की रिपोर्ट आपको जनरेट करनी हो उसके लिए होगा, सैलरी स्लिप जनरेट करनी हो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं, और मंथली टैक्स की डिटेल को भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेरोल सिस्टम। तो ये बेसिकली सैलरी के लिए होते हैं, जो पेरोल होता है उसको मैनेज करने के लिए ही होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पेरोल सिस्टम। नेक्स्ट स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा बिलिंग सिस्टम। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन सच एज होटल, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स एंड अदर स्टोर्स विच सेल देयर सर्विस और प्रोडक्ट यूज द बिलिंग सॉफ्टवेयर इन ऑर्डर टू इंटरेक्ट इफेक्टिवली विद द कस्टमर। तो मतलब देखिए क्या है, जो होटल्स हैं आपके, शॉपिंग मॉल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ये सब क्या यूज करते हैं, बिलिंग सिस्टम। तो मतलब किसी सुपर मार्केट जाएंगे, किसी मॉल में जाएंगे तो वहां पे आप कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उसका आपको बिल दिया जाता है। तो बिल जनरेट करने के सिस्टम को ही हम बोलते हैं बिलिंग सिस्टम। मतलब कि मोस्टली कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बिलिंग सिस्टम को यूज करती है, जिसकी हेल्प से कि वो कस्टमर को बिल जनरेट करके देते हैं। तो अगर आप किसी मॉल के अंदर जाएंगे और वहां से कुछ परचेस करेंगे तो आपको भी कंप्यूटराइज बिल मिल जाएगा, मतलब वो सॉफ्टवेयर की हेल्प से जनरेट करके आपको दे देंगे। तो इन सॉफ्टवेयर का यही काम होता है कि बिल को जनरेट करना। एंड इट इंक्रीज द स्पीड ऑफ डेटा प्रोसेसिंग एंड ऑल्सो इंक्लूड द एप्लीकेशन ऑफ डिस्काउंट, पेनल्टीज एंड टैरिफ्स ऑन अदर प्रोडक्ट्स। तो बिलिंग सिस्टम की हेल्प से डिस्काउंट, पेनल्टी या फिर टैरिफ्स को भी कैलकुलेट किया जा सकता है कि अलग अलग प्रोडक्ट पे जो आपके डिस्काउंट चल रहा है वो भी आपकी हेल्प से कैलकुलेट करके आप दे सकते हो। तो मतलब कि डिस्काउंट वगैरह को भी कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बिलिंग सिस्टम। सो नाउ वी हैव डिस्कस सेकंड कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दैट इज स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नाउ वी विल डिस्कस थर्ड कैटेगरी, दैट इज कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की थर्ड कैटेगरी, जो कि हमारी कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। सो इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज स्पेशली डिजाइन फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और यूजर अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स। इट इज बिल्ट टू कैटर टू द नीड ऑफ स्पेसिफिक कंपनी, नॉट द मास मार्केट। इट कैन इजिली बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। इट हेल्प्स इंटीग्रेटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क इन अ सिंगल सॉफ्टवेयर, दस इलिमिनेटिंग द नीड ऑफ परचेसिंग मल्टीपल एप्लीकेशन एंड लाइसेंस। Some of the customized software are commercial website, business database, software and private firms. तो customized software देखिए क्या होते हैं, customized software जो होते हैं वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना के दिए जाते हैं। मतलब ये ऐसा नहीं है कि जनरल पर्पस है जो कि कहीं से भी आपने परचेस कर लिए, तो ऐसा नहीं है। मतलब ये क्या होते हैं, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको बना के दिया जाता है। ये कहीं मार्केट में नहीं मिलेगा कि पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिक्वायरमेंट बताएगी कि मुझे ऐसे सॉफ्टवेयर की जरूरत है, मेरी कंपनी में ये चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है मुझे ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए। तो प्रोग्रामर क्या करेगा, उनकी रिक्वायरमेंट को चेक करेगा, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस सॉफ्टवेयर को डिजाइन करेगा, ठीक है उसको कस्टमाइज करके बनाएगा। मतलब जैसी रिक्वायरमेंट उस कंपनी की है उस कंपनी को उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर बनाकर दिया जाएगा। और ये सॉफ्टवेयर जो होगा वो आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को बना के दिया गया, कस्टमाइज करके बना के दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको कहीं मार्केट में नहीं मिलेगा, ये एप्लीकेशन मार्केट में सेल करने के नहीं होते हैं कि आपने बना के मार्केट में सेल कर दी। ये सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के बेस पे बनाए जाते हैं, कि कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी वो प्रोग्रामर को नीड बताएगी कि मुझे इस टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए, मेरी ये रिक्वायरमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग वो कस्टमाइज करके सॉफ्टवेयर बना के उनको दे देंगे। तो जैसे कि इसके एग्जांपल में कमर्शियल वेबसाइट होती है, बिजनेस डेटाबेस हैं, ठीक है, प्राइवेट कंपनी के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो वो सारे क्या होते हैं, हमारे कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। तो आई होप आपको कस्टमाइज सॉफ्टवेयर समझ में आ गया होगा। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट मोबाइल एप्लीकेशन। सो व्हाट इज एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू डू अ स्पेसिफिक जॉब। तो एप्लीकेशन क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए बनाया जाता है। द वर्ड ऐप इज एन एब्रिविएशन फॉर एप्लीकेशन। तो ऐप जो है वो शॉर्ट फॉर्म है एप्लीकेशन की ही। एंड एन ऐप इनेबल्स यू टू डू something specific like you can paint, draw, read maps and barcode, take photographs, play games, watch and edit video and do almost anything that the programmer have created the app for but within the technical limitation of your device. तो मतलब आप ऐप की हेल्प से कोई स्पेसिफिक टास्क कर सकते हैं, जैसे कि आप पेंटिंग कर सकते हैं, ठीक है आप ड्राइंग कर सकते हैं, आप मैप वगैरह को रीड कर सकते हैं, बारकोड को रीड कर सकते हैं, फोटोग्राफ्स ले सकते हैं, ठीक है ऐसे ही गेम्स को प्ले कर सकते हैं, गेमिंग अगर एप्लीकेशन है तो, और अगर कोई वीडियो एप्लीकेशन है तो आप वीडियो को एडिट कर सकते हैं। तो आप वो सारे काम कर सकते हैं जिसके लिए वो एप्लीकेशन बनाया गया है, बट फोन की टेक्निकल लिमिटेशन के अंदर ही। हाउएवर विद द रैपिड राइज इन द यूज ऑफ स्मार्टफोन, द बर्ड ऐप इज मोस्टली यूज टू रेफर टू द सॉफ्टवेयर दैट रन ऑन मोबाइल फोन। तो स्मार्टफोन के एडवांसमेंट की वजह से जब भी ऐप का नाम आता है तो सीधे मोबाइल फोन पे जो एप्लीकेशन चलते हैं उनकी ही बात होती है, कि मतलब ऐप का मतलब जो फोन पे एप्लीकेशन चलते हैं वही हमारे ऐप होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जो कंप्यूटर पर हमारे एप्लीकेशन होते हैं वो भी एक तरीके से हमारे ऐप्स ही होते हैं, क्योंकि ऐप्स जो है वो एप्लीकेशन की ही शॉर्ट फॉर्म है। एंड ऐप आर डिजाइन टू वर्क ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज बाय द डिवाइस
An Android app is developed to work on phone and tablet which run on Android OS, whereas iPhone apps can be used on iPhone which use iOS. तो देखिए जो एप्लीकेशन होते हैं वो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से ही बनाए जाते हैं. जैसे कि जो एंड्रॉयड ऐप्स होते हैं वो हमारे एंड्रॉयड फ़ोन के लिए बनाए जाते हैं, जो एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं या टैबलेट्स होते हैं उनके लिए बनाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें कि हमारा एंड्रॉयड ओएस होता है. और आईफोन के जो ऐप्स होते हैं वो आईफोन के लिए बनाए जाते हैं, जिसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो होता है हमारा आईओएस, तो उसके लिए अलग एप्लीकेशन बनाए जाते हैं. तो जब भी ये एप्लीकेशन बनाए जाते हैं तो ये डिवाइस को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं कि मतलब किस डिवाइस के लिए हम बना रहे हैं और किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बना रहे हैं, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पर ये चलेगा. एंड For better running of apps, the internet connection speed must be fast so that app can be downloaded easily from Google Play Store on Android phone or through App Store in iOS. तो मतलब ऐप को अच्छे से यूज करने के लिए इंटरनेट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि आप Google Play से अच्छे से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर पाएं, जल्दी से डाउनलोड कर पाएं, और अगर आप iPhone यूज कर रहे हैं तो App Store से डाउनलोड कर पाएं. So let's discuss types of apps. So apps can be broadly classified as desktop app, web apps or mobile apps. ठीक है, तो ये हमारे कुछ categories हैं apps की. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, apps जो हैं वो हमारे computer पे भी run होते हैं, mobile phone पे भी run होते हैं. तो इन तीनों category को one by one discuss कर लेते हैं. पहले बात करते हैं desktop app की. These app can be used on desktop or laptop. Generally they do not need web access and run independently on computer. तो जो desktop app होते हैं वो हमारे desktop या फिर laptop पे हम चला सकते हैं, और ये application चलाने के लिए हमें internet की requirement ज़्यादा नहीं होती है. ठीक है, बिना इंटरनेट के भी ये चल सकते हैं. इन ऑर्डर टू रन अ डेस्कटॉप ऐप इट मस्ट फर्स्ट इंस्टॉल्ड ऑन डेस्कटॉप और लैपटॉप. इंस्टॉल्ड ऐप इज इंडिकेटेड बाय एन आइकन ऑन डेस्कटॉप और एज एन आइटम ऑन द स्टार्ट मेन्यू. तो डेस्कटॉप ऐप को यूज करने से पहले ये आपके ऐप कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होने चाहिए, आप मतलब लैपटॉप या डेस्कटॉप पे आपके इंस्टॉल होने चाहिए, तभी आप इनको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इनको यूज नहीं कर पाएंगे. और जो इंस्टॉल्ड ऐप होते हैं उनके आइकन आपके डेस्कटॉप पे आ जाते हैं या फिर आपके स्टार्ट मेन्यू में शो हो जाते हैं. Example of desktop application are word processor, spreadsheet or even smaller app like paint or notepad. तो ये कुछ example हमारे desktop apps के, जैसे कि हम use करते हैं, ठीक है, word processor जो हमारा MS Word है, Excel है, WordPad है, notepad है, ठीक है, paint है, ये सब हमारे क्या है, desktop app. तो ये हमने discuss कर लिया desktop apps को. I hope आपको समझ में आ गया होगा. So now we will discuss about web apps. These are required an internet connection. These are usually browser based and store on a remote server. User access them like any other web page and save on their computer by creating a bookmark to that page. तो ये ऐप जो होते हैं हमारे ब्राउजर बेस्ड होते हैं, मतलब कि जो ज़्यादातर हमारे ब्राउजर पे चलते हैं, जो ब्राउजर हमारा होता है उस पे ही रन होते हैं मोस्टली ये. और इसके लिए हमें इंटरनेट कनेक्शन मस्ट है, क्योंकि अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा तो आप इन ऐप को प्रॉपरली यूज नहीं कर पाएंगे. तो इन ऐप्स को भी यूजर क्या करता है, वेब पेज की तरह ही एक्सेस करता है, ठीक है, और अगर उसे सेव करना होता है तो वो बुकमार्क में ऐड कर लेता है उस वेब पेज को. वेब एप्लीकेशन रिक्वायर मिनिमम डिवाइस मेमोरी एज द एप्लीकेशन लाइज ऑन द रिमोट सर्वर. तो इन एप्लीकेशन के लिए बहुत कम मेमोरी चाहिए होती है, क्योंकि ये एप्लीकेशन जो होते हैं वो एक वेब सर्वर पर स्टोर होते हैं, तो से हमें सिर्फ वेब ब्राउजर की हेल्प से इन्हें एक्सेस करना होता है. तो इसलिए इन एप्लीकेशंस के लिए हमें बहुत कम मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है. एंड दीज ऐप कैन बी यूज एज एंड व्हेन क्वाइट फ्रॉम एनी डिवाइस. तो इन ऐप्स को हम किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो हमारा लैपटॉप हो, चाहे टैबलेट हो, चाहे मोबाइल फोन हो, ठीक है, किसी भी डिवाइस से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं जब भी हमें रिक्वायरमेंट होगी. फॉर एग्जाम्पल गूगल मैप्स, इंस्टेंट मैसेजर, व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेजर. तो ये जो एग्जाम्पल है ये हमारे हैं वेब एप्स के ही एग्जाम्पल है, जैसे कि गूगल मैप्स है, ठीक है, फेसबुक मैसेजर है या व्हाट्सएप मैसेजर, ये सब हमारे एग्जाम्पल हैं वेब एप्स के. ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वेब एप्स क्या होते हैं. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट मोबाइल एप्स. तो मोबाइल ऐप क्या होते हैं, देखिए, सो दीज ऐप रन ऑन अ स्मार्टफोन और टैबलेट. तो जो मोबाइल ऐप होते हैं वो हमारे स्मार्टफोन या फिर टैबलेट पे ही रन होते हैं. एंड दीज ऐप्स आर यूजली स्मॉलर इन साइज एज द मोबाइल डिवाइस हैव लिमिटेड मेमोरी. मोबाइल ऐप ऑल्सो कम प्रीलोडेड ऑन स्मार्टफोन और टैबलेट. तो ये ऐप्स जो होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं, जो मोबाइल ऐप होते हैं वो साइज में काफी छोटे होते हैं, क्योंकि जो मोबाइल फोन होता है उसमें लिमिटेड स्टोरेज होती है, तो इसी वजह से इनका साइज काफी लिमिटेड होता है. और कई सारे स्मार्टफोन में या टैबलेट में प्रीलोडेड एप्लीकेशंस भी आपके आते हैं. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ मोबाइल ऐप्स. सो मोबाइल ऐप्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज नेटिव ऐप और हाइब्रिड ऐप्स. तो मोबाइल फोन को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि हमारा नेटिव ऐप्स और सेकंड हमारा हाइब्रिड ऐप. तो पहले डिस्कस करते हैं नेटिव ऐप्स को. मोबाइल ऐप्स आर यूजली डेवलप्ड फॉर स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिवाइस. तो जो मोबाइल ऐप्स होते हैं वो हमारे यूजली किसी स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम या डिवाइस के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि एंड्रॉइड और आईओएस के लिए बनाए जाते हैं. दिस इज बिकॉज ईच डिवाइस में हैव डिफरेंट स्पेसिफिकेशन लाइक जीपीएस, डुअल सिम और कैमराज, मेमोरी, ब्लूटूथ, वाईफाई और एनएफसी. तो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग ऐप्स क्यों बनाते हैं, क्योंकि हर डिवाइस के अंदर अलग टाइप की सर्विस हो सकती है, अलग टाइप के स्पेसिफिकेशन हो सकते हैं, क्योंकि किसी फोन में सिंगल सिम होती है, किसी में डुअल सिम होती है, किसी में ब्लूटूथ होती है, किसी में ब्लूटूथ नहीं होती है, किसी में एनएफसी की सर्विस होती है, किसी में सर्विस नहीं होती है, ठीक है, किसी में एक्सटर्नल मेमोरी होती है, किसी में एक्सटर्नल मेमोरी का ऑप्शन नहीं होता है. तो इसीलिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम को, अलग अलग डिवाइस को ध्यान में रख के ही एप्लीकेशन को बनाया जाता है.
So we can say apps that are developed keeping in mind the device specification are known as native apps. तो ऐसे एप्लीकेशन जो डिवाइस की स्पेसिफिकेशन को दिमाग में रख के बनाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं नेटिव एप्स. मोस्ट नेटिव एप्स कम प्री इंस्टॉल्ड ऑन द न्यू फोन एंड कैन ऑल्सो बी डाउनलोडेड फ्रॉम प्ले स्टोर. सम नेटिव एप्स कैन रन ऑन द डिवाइस विदाउट द यूज ऑफ द इंटरनेट बट अदर में नीड द इंटरनेट फैसिलिटी फॉर फुल फंक्शनैलिटी. तो बहुत सारे नेटिव एप जो होते हैं वो प्री इंस्टॉल आते हैं आपके फोन के साथ में. जब आप फोन परचेस करते हैं तो कोई भी नया फोन परचेस करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा बहुत सारे एप्लीकेशन आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं उसमें, जैसे कि आपको गूगल प्ले स्टोर है, क्रोम ब्राउजर है, तो ये बहुत सारे आपको एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं. और अगर आप तो कुछ नेटिव एप्स को आप बाद में प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं. और इनमें जो कुछ नेटिव एप्स होते हैं वो बिना इंटरनेट के यूज किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ को पूरी तरीके से यूज करने के लिए हमें इंटरनेट की जरूरत पड़ती है. ठीक है, आई होप आपको नेटिव एप्स भी समझ में आ गया होगा. एंड दीज एप्स हैव सर्टन लिमिटेशन. दीज आर डिजाइन फॉर पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म एंड आर एक्सपेंसिव टू डेवलप एंड मेंटेन. तो इन एप्लीकेशन की कुछ लिमिटेशन है क्योंकि इनको डिजाइन एंड इनकी मेंटेनेंस करना काफी कॉस्टली होता है. तो ये हमने डिस्कस कर लिया नेटिव एप्स को, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. नाउ वी विल डिस्कस हाइब्रिड एप. सो हाइब्रिड एप कंटेन्स द फीचर ऑफ बोथ वेब एप एंड नेटिव एप. तो इसमें जो होते हैं हाइब्रिड एप में नेटिव एप और वेब एप दोनों के ही फीचर होते हैं, इसीलिए इसको हाइब्रिड एप बोला जाता है. दीज ऐप कैन बी डाउनलोड फ्रॉम प्ले स्टोर एंड इंस्टॉल्ड ऑन द डिवाइस. तो ये एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड किए जा सकते हैं और अपने डिवाइस पे इंस्टॉल आप कर सकते हैं. एंड दीज ऐप रिक्वायर्स द डिवाइस टू बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट. और इन ऐप को चलाने के लिए आपके डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट होनी चाहिए, तभी आप इनको अच्छे से यूज कर सकते हैं. एंड हाइब्रिड ऐप कैन बी स्टोर्ड पार्टली ऑन लोकल डिवाइस एंड पार्टली ऑन रिमोट सर्वर. मतलब क्या है, जो हाइब्रिड ऐप होता है उसका कुछ पोर्शन तो हमारे डिवाइस पे स्टोर होता है, मतलब कि जो लोकल डिवाइस हमारे पास, मतलब जो स्मार्टफोन है, टैबलेट है, उस पर स्टोर होता है, और जो कुछ पार्ट होगा वो हमारे रिमोट सर्वर पर होता है जहाँ से कि हम उसको एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं. सम ऑफ द हाइब्रिड ऐप कैन बी ऑपरेटेड ऑफलाइन विद लिमिटेड फंक्शनैलिटी बाई यूजिंग कैश पेजेस. तो कुछ हाइब्रिड ऐप जो होते हैं वो ऑफलाइन भी ऑपरेट कर सकते हैं लिमिटेड फंक्शनैलिटी के साथ में, जो कि कैश को यूज करके. कैश मेमोरी हमारी स्टोर हो जाती है बट वो एक्चुअली में न्यू पेज ओपन नहीं करेगा, जो पेज आपने ओपन कर रखा है वही पेज को आप एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, अगर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है तो. फॉर एग्जाम्पल द मोस्ट पॉपुलर गेमिंग ऐप कैंडी क्रश इज अ हाइब्रिड ऐप दैट कैन बी प्लेड ऑन अ मोबाइल फोन एज वेल एज ऑन द वेब. कैंडी क्रश एक ऐसा ही हाइब्रिड ऐप है जो आप मोबाइल फोन पे भी चला सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट वेब पे भी चला सकते हैं. तो ये हमने हाइब्रिड ऐप को भी डिस्कस कर लिया है. सो नाउ योर चैप्टर टू हैज फिनिश्ड, मतलब आपका चैप्टर टू फिनिश हो गया. तो इस चैप्टर का रिकैप कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं. हमने डिस्कस किया है इस चैप्टर में प्रोग्राम्स को, कि प्रोग्राम क्या होता है. एंड वी हैव डिस्कस अबाउट सॉफ्टवेयर, कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर. टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर को डिस्कस किया हमने. ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिस्कस किया और सिस्टम सॉफ्टवेयर के हमने टाइप्स डिस्कस करे, जो कि थे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. दीज आर द टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. इनको हम डिस्कस कर चुके हैं, जो पिछला वीडियो था उसमें इन सबको हम डिस्कस कर चुके थे. और इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमने डिस्कस करा है जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को. उसके बाद में हमने डिस्कस किया स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन. एंड वी हैव डिस्कस अबाउट कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ये कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थे, इनको हमने डिस्कस किया. एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस अबाउट मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो हमने मोबाइल फोन एप्लीकेशन को भी डिस्कस किया है. और मोबाइल फोन एप्लीकेशन में हमने कौन कौन से एप्लीकेशन डिस्कस किए. हमने नेटिव एप्स को डिस्कस किया, हमने वेब ऐप्स को डिस्कस किया, एंड वी हैव डिस्कस हाइब्रिड ऐप्स. तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में कवर कर चुके हैं. आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा. अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं वहीं पे आपका डाउट क्लियर कर दूंगा. तो स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को करेंगे. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.